विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्म व वन राखी मूवमेंट के प्रणेता पर्यावरण विद कौशल किशोर जायसवाल के कजरी फार्म हाउस में दुर्लभ प्रजाति के सांप रसेल वाइपर निकला। रसेल वाइपर ऐसी प्रजाति का सर्प है जो किसी को डस ले तो उसका कोई इलाज नहीं है। बावजूद सांप को पर्यावरण विद कौशल किशोर जायसवाल ने पकड़कर सुरक्षित कंडा के वनों में जाकर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा करना केवल वन विभाग के कर्मियों का ही दायित्व नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसकी सुरक्षा प्रदान करे। पर्यावरण धर्मगुरु कौशल ने कहा कि जिस प्रकार खेल, कला, संस्कृति, पशु पक्षी वन्य पर्यावरण के अंग और राष्ट्र के धरोहर है, उसी प्रकार सांप भी पर्यावरण का अंग माना जाता है। इसे प्रकृति पर की लगाम लगाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि जिस प्रकार हिरण की संख्या अधिक ना हो जाए व पालतू जानवरों का भोजन घास ना चट कर जाए, उसके लिए प्रकृति ने उसकी संख्या को नियंत्रित रखने के लिए चीता और बाघ को रखा है। ठीक उसी प्रकार चूहों की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि ना हो जाए, उसके लिए भी प्रकृति इंतजाम कर रखी है। चूहों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रकृति सांप को रखा है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्रों में छठा मूल मंत्र में जानवरों की सुरक्षा करना शामिल है। इसलिए उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि सांप को मारकर प्रकृति को लगाम की डोर को नहीं तोड़े, इससे कहीं न कहीं लोगों का नुकसान हो सकता है। उन्होंने समाज के लोगों से पर्यावरण की रक्षा के लिए वन्य और वन्य प्राणियों की हर संभव सुरक्षा और संरक्षित करने की अपील की है, ताकि इस अभियान को मजबूती प्रदान किया जा सके।